हाथ पूरा ढीला पड़ जाता है इससे, समझ में आया आपको? सिंपल सिंपल टेक्निक है गर्ल्स के लिए, कैसा है जैसे अच्छी पकड़ लिया तो अपन माथे बांध के हाथ थोड़ा एक्शन करना, जैसे ये यहाँ पे गलत है यहाँ पे, ठीक है ये देखो जैसे ये हाथ कोई ताकत लगाएगी आप उसकी ताकत लगाने वाला काम नहीं है, तो ड्रॉइंग से उसको ध्यान रखते हुए अपने ये 10 नंबर पुलिया के ऊपर यहाँ पर ताई कमांडो वगैरह सिखाया जाता है कोच साहब के, मतलब ये जो सर है जो मैडम जानती हो आपको बता रही है क्या? अक्षय चौर है वो जो डिफेंस, मतलब जो जिन अटैक कर रहे थे उनका नाम है अक्षय चौर है, इधर इंस्ट्रक्टर है मेन इंस्ट्रक्टर अक्षय चौर, इधर पीछे है वो अमित शिंदे सर है, देन ये बाहर से आए हैं जो व्हाइट कोट पर है। अच्छा वो सिखाने के लिए आए, मतलब बच्चों को? हाँ ट्रेन, हम लोग ये नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं अपनी क्लास में तो वो ट्रेन करने के लिए, एक्चुअली में हमें अभी तक हमारा प्लेन कराटे था, अभी हम ताइक्वांडो ऐड कर रहे हैं तो उसके। अच्छा ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस जैसे लड़के वगैरह को सिखाने के लिए, तो ये 10 नंबर पुलिया पर है तो इसकी फीस वगैरह कुछ से पता लगेगा हमको? जैसे गर्ल्स के लिए टोटली फ्री है। अच्छा लड़कियों के लिए फ्री है बिल्कुल? जो बॉयज मतलब दे सकते हैं, एलिजिबल है देने के लिए, उन्हीं बॉयज से हम लोग फीस लेते हैं। अच्छा मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको फ्री सिखाया जाता है? ये रहता है थोड़ा सा क्या लंबा होना चाहिए, ये हमारे टोटल इंस्ट्रक्टर है, मतलब ये ट्रेन हो चुके हैं बचपन से, इन्होंने प्रैक्टिस किया था एंड देन फर्स्ट कराटे प्लेयर, मतलब सबसे कम उम्र में कराटे प्लेयर बने थे अमित शिंदे सर, एंड देन उन्होंने बच्चों के लिए एक हेल्प करके, मतलब खुद ही, इससे हमें कुछ भी अर्निंग नहीं होता है, हम लोग सिर्फ एज अ सोशल वर्क के रूप में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं फ्री में, टोटली फ्री में होता है, सिर्फ बॉयज़ का लगता है क्योंकि बॉयज़ एलिजिबल होते हैं, बॉयज़ को उतना कॉन्फिडेंट होता है, बॉयज़ में उतना पावर होता है विल पावर कि वो लोग कर सकते हैं, पर गर्ल्स में नहीं होता, इसलिए हमने स्पेशली गर्ल्स के लिए यहाँ पर फ्री में रखा है। अदरवाइज देखा तो दोस्तों मैडम ने अभी जानकारी दी है, इसके अलावा सेल्फ डिफेंस के जो गुर है वो आपको वीडियो में दिख ही रहे होंगे, देखो एक साथ दो कैंडिडेट को कंट्रोल करने का तरीका कैसे करते, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए, मतलब गर्ल्स ट्राई कर सकते हैं अपने डेली। को बैठना पड़ेगा सर, हाँ वो खुद बैठ कर, खुद बैठ कर गिरा, तो ये 10 नंबर पुलिया है नागपुर के अंदर जो इंदौरा से भी रास्ता आता है इसका और कड़वी चौक से भी आता है, वहाँ पर ये चलती है क्लासेज, फ्री क्लासेज जो है गर्ल्स के लिए,
आप अपने बच्चों को फिटनेस के लिए ला सकते हैं यहाँ पर, हमारे को साथ देख सकते हो जितने भी बच्चे हैं ये सब लड़कियाँ यहाँ पर। हाँ मतलब ये मैडम ने हमको जानकारी दी है जब से, और 250 से ज़्यादा स्टूडेंट है यहाँ पर, और ये सर बाहर से आए सिखाने के लिए। इनके अलावा कौन से सर है ये? अच्छा ये सर है इनके मेन जो बच्चों के है, आप देख सकते हो ग्रुप में, इनसे मिल सकते हो आपका 10 नंबर पुलिया पर आकर आपको ये गाइडेंस करेंगे। जी बिल्कुल, गुड इवनिंग टू ऑल। लड़कियों के लिए सिंपल टेक्निक है, जो पहले बताया ये रॉकिंग या फिर ये घुटने पे की लॉन्ग है, और फेस के ऊपर गले के ऊपर लॉन्ग है, और चेस्ट के ऊपर ज़्यादा एक्शन दिला के दिए करके कुछ नहीं करना, सिंपल अटैक करना है। ऐसे क्या हो गया कि आप सिंपल अटैक ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, देखना होगा उसमें मतलब ये बॉडी का दोनों पार्ट को सटासट चलाना भाई, एक पार्ट से काम नहीं होगा, अगर एक पार्ट से रहो तो दूसरा कमज़ोर हो जाएगा। वो भीम ने जैसे भीम का हिस्सा कच्चा हो गया, ऐसा कच्चा नहीं रहना चाहिए। मैनुअली कर रखी है सेटिंग आपने कैसे? नॉर्मली यही आपका चमका। भाई आ गया भाई, तगड़ा पहलवान सा लग रहा है, मारेगा मेरे को ऐसा लग रहा है। वो नकली का चक्कू ले रखा है बताने के लिए, मतलब इस सीन को देखकर मुझे वो वाली पिक्चर याद आ रही है, वो हैंडसम कौन सा है वो अपने जॉनी ब्राइम का ना, रॉकी हैंडसम, उसमें वो चाइना वाला रहता है चक्कू से स्टाइल से मारता है, खच खच वैसे मारेगा। भैया रुक जा, ये दूसरा भैया देंगे अमिताभ की तरह लंबी लंबी टांगे करके, दहला दहला। अभी रुक जाओ, अभी आपके सामने चक्कू वक्कू छुर्रे उर्रे चलने वाला है भैया, देख लो चक्कू छुरा से कोई डरा है तो कैसे। वैसे आई मेट्रो सिटियों में चोरी चकारी होती है चक्कू के दम पर ही, और ये सीखना ज़रूरी है, बच्चों को सिखाना ज़रूरी है बचपन से, बच्चे क्या सीख ले तो मेंटली फिजिकली हर चीज़ में वो रहते हैं मजबूत बनते हैं। वरना छिछोरे मूवी में जैसे बच्चे जंप मारने निकल जाते हैं ना, ऐसे निकल जाते, इसलिए बच्चों को थोड़ा ट्रिक मजबूत दिल का हाड़ का। वैसे हम बचपन में पढ़े थे सरकारी, हम तो खैर पिटते पिटते पड़े हुए, मजबूत बना दिए मास्टरों ने हमें डंडे दे देकर, यहाँ पर कोच साहब डंडे दे देकर मजबूत बनाते। अभी क्या है, अच्छा डंडे से लग से चक्कू से धमकाते हुए भैया हो गया, अबे चल पैसा निकाल जितना है तेरा। उस भाई ने उसका गला दबा लिया, भैया ये जो गले की नेक रहती है ना दिल्ली में सबसे ज़्यादा इसी से ही चोरी होती है, गले को ऐसे ग्रिप करके ऐसे पकड़ते हैं ना, इससे कुछ सांसें रुक जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आदमी बेहोश हो जाता है, मर भी जाता है ये ट्रिक से, ये चक्कू का चक्कू चूरा का ये सीधा बड़ा मजबूत पंच पड़ता है यहाँ पे पसलियों में, ये देखो
ये आया दूसरा बंदा मारने आया कोच साहब को, हम कोच साहब है वो, दोनों के दोनों बता रहे अभी, दोनों चक्कू और डंडे वाले का दोनों, ये बता झुका डाला ना, ये भैया ने नया देखो हार मान लिया तुरंत, अगर ज्यादा 3-5 करा तो गया हाथ का गट्टा, हाथ का लोक लगा कर तोड़ा जाता है, लेकिन उसके लिए बाजुओं में बल होना चाहिए, हाथ मजबूत होना चाहिए। खैर कोच साहब की तो बचपन से उम्र हो गई है, शायद मैं अब सीखने लगूँ तो बुढ़ापे में सीख ही जाऊँगा भाइयों। देखो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैंने जैसा कि दिखाया 10 नंबर पुलिया के जस्ट पास में एक कोच साहब वगैरह है, लड़कियों को फ्री का अंदर सिखाते हैं और थोड़ा बॉयज वगैरह रहते हैं उनसे कुछ चार्ज लिया जाता है ताकि मेंटेनेंस गद्दे वगैरह का वो सब चलता रहे, वरना यहाँ पर सब बच्चों को सिखाए रहते हैं। थोड़ा सड़क के बाजू में ही है इसलिए आवाज़ आ रही होगी गाड़ी घोड़े के ब्लॉक में शूट करते वक्त, ये मैं लास्ट समय थोड़ा अंधेरा हो चुका है, लास्ट में जाते समय बना रहा हूँ। आप एक बार यहाँ आइए, कोच साहब से मिलिए, यहाँ का बच्चा को देखिए, और बच्चे को बचपन से ही अगर उनका फिजिकल स्ट्रेंथ मजबूत रखे तो उनका मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। छोटी परेशानियों को देखकर बच्चा घबराता नहीं है, चाहे पढ़ाई हो चाहे लड़ाई हो और चाहे खाने पीने की बात हो। खैर हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमारे मास्टर तो हमको बेसिक ज्ञान देते थे। हमारे मास्टर ने मुझे बचपन में एक ज्ञान दिया था, उसमें एक बात बोला था, बेटा खाने में पढ़ने में और लड़ने में जिसने शर्म करी ना उसके कर्म फूट गए। तो हम जब लड़ते थे हाथ नहीं जोड़ते थे, दोनों हाथों से बटाबट मारते थे, और भैया खाने में जाते थे तो दोनों हाथों से खींच कर खाते थे, हम एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से खाते। और पढ़ाई में भी कुछ समझ नहीं आता तो हम पूछ लेते, बच्चे पूछते नहीं हैं जिसके कारण ज़िंदगी भर उनको कन्फ्यूज़न रहता है। हम तो पूछ लेते भैया, क्लास हंसती थी पर दुनिया तो नहीं हंसती थी, क्लास हंसती थी माइंड क्लियर रहता था। तो आजकल यही होना चाहिए और यही सिखाया जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों बने रहिए बाबा के ब्लॉक में, और आपको नई जानकारी नई चीज़ बताऊँगा मैं, जितना मुझे से हो सकता है किसी बात को आप तक पहुँचाने के लिए। मैं फालतू मिर्च मसाले लगा कर बोलता नहीं, जो सामने दिख जाता है बता देता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ जा नहीं रहा, आप लोगों को खबर पहुँच जाएगी। अगर कोई हमको बचपन में बताता तो हम भी जुड़ो कराटा वाले होते भाई जी, आज आया नहीं। तो दोस्तों चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। महाकाल का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे, थैंक यू। वीडियो को देखें, आगे फैलाएं, 4 लोगों को पहुंचाएं ताकि उन लोगों का भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, आज के लिए इतना ही।